साल 2019 की बात है, जब भारतीय सरकार ने आर्टिकल 370 और 35 से तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ताकि कुछ गिने चुने कश्मीरी पत्थरबाज रोड के ऊपर आकर पत्थरबाजी ना करें और कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। कश्मीर में भारत क्या कर रहा है या फिर क्या नहीं, ये भारतीय सरकार और भारत का इंटरनल मैटर है। लेकिन उस समय एक यूरोपियन देश जिसका नाम है स्वीडन, उसके विदेश मंत्री एने लिंडे ने भारत के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी। स्टेटमेंट में स्वीडिश विदेश मंत्री ने कहा था कि हम मानवाधिकारों के सम्मान के महत्व पर जोर देते हैं, कश्मीर की स्थिति में तनाव की वृद्धि से बचा जाए और वहाँ की स्थिति के लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सॉल्यूशन में कश्मीर के निवासियों के मत को शामिल किया जाना चाहिए, यानी जो कश्मीर के लोग बोलें वही करना चाहिए। स्वीडिश विदेश मंत्री ने उस समय कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वीडन और यूरोपियन यूनियन भारत सरकार के जम्मू कश्मीर पर लगाए गए सारे प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह करते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि फ्री मूवमेंट हो और सारी कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज फिर से बहाल हों। इतना ही नहीं, स्वीडन ने पहले भी कई बार अपनी संसद में कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की है, जहां पर भारत को हमेशा टारगेट करने की कोशिश की जाती रही है। जहां तक बात है साल 2019 में कश्मीर में रिस्ट्रिक्शंस लगाने की, तो भारतीय सरकार ने वो सारी रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगाई थी ताकि कश्मीर में दंगे ना हो, वहां पर कत्लेआम ना हो और आम लोगों की जान ना जाए। लेकिन स्वीडन को ये चीज उस समय बिल्कुल नहीं दिखाई दी थी और वो भी बाकी वेस्टर्न देशों की तरह भारत को ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटीज के अधिकार, फ्री मूवमेंट, फ्री कम्युनिकेशन आदि का पाठ पढ़ाया करता था। भारत को सिखाता था कि भारत को कश्मीर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब तक खुद के ऊपर नहीं बीतती है तब तक सामने वाले का दुख दर्द वो भी समझ नहीं आता है। तो सेम चीज आज की डेट में स्वीडन के साथ हो रही है। ईस्टर के बाद स्वीडन में एक रैली निकाली गई जिसके ऊपर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया था और वहाँ कई दिनों तक दंगे चलते रहे। जिस तरह से भारत के कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, ठीक उसी तरह से स्वीडन में वहाँ पर भी पत्थरबाजी हुई। पब्लिक प्रॉपर्टी को निशाना बनाया गया, पुलिस अधिकारियों को टारगेट किया गया, उनको पत्थर मारे गए। स्वीडन में हालात इतने बिगड़ गए थे कि वहाँ पर 26 पुलिसकर्मी बहुत ही बुरी तरह घायल हो गए थे, जो आज की डेट में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जबकि 14 आम लोग भी गंभीर रूप से घायल हैं और आज की डेट में अस्पताल में एडमिट हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वीडन पुलिस ने भी आखिरकार जाकर बल प्रयोग किया, सेम उसी तरह से हवा में फायरिंग और टियर गैस के गोले फायर किए जिस तरह भारत की फोर्सेस कश्मीर में करती हैं। स्वीडन पुलिस को 3 दिन लग गए ये दंगे रोकते रोकते। ना सिर्फ बल प्रयोग, बाकी स्वीडन पुलिस ने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के 26 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया है, जिसमें 4 तो माइनर थे, यानी 18 साल से कम की उम्र के नाबालिग थे। मतलब कि स्वीडन को भी नाबालिग उम्र के पत्थरबाज और दंगाइयों को अरेस्ट करना पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि स्वीडन को भी सेम वही कुछ सहना पड़ रहा है जो भारत कई दशकों से कश्मीर में सहते आया है। लेकिन जिस तरह से स्वीडन भारत के कश्मीर यानी भारत के इंटरनल मैटर्स में दखल देता था, उस तरह से भारत ने स्वीडन के अंदरूनी मामले में बिल्कुल भी दखल नहीं दिया। या फिर स्वीडन ने जो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि भारत को पता है कि इस तरह के कट्टरपंथी लोगों को इसी तरह से हैंडल किया जाता है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वहाँ पर बल प्रयोग करना ही पड़ता है, नाबालिग लोगों को भी उठाना पड़ता है। विरोध करना तो दूर की बात है, उल्टा सोशल मीडिया के ऊपर, खासकर ट्विटर और फेसबुक के ऊपर भारत के कई सारे लोग स्वीडन को सपोर्ट कर रहे हैं। आई होप कि स्वीडन इस घटना के बाद भारत का दुख समझे और दोबारा कश्मीर मुद्दे में दखल ना दे।